सो ये सराउंडिंग में सारी बिल्डिंग्स हैं जिसमें मेरी फ्रेंड्स हैं। सो अब इस वाली बिल्डिंग में जा रहे हैं और बारिश का मौसम है सो इसलिए गाड़ी में जाना पड़ा। सो जजा भी मेरे साथ है। आई जजू जजा भी सुपर एक्साइटेड टू डिलीवर सम रमजान गिफ्ट बास्केट्स विद मी। और इस बिल्डिंग में जजा का क्लास फेलो भी रहता है। ये बास्केट मेरे हाथ में है, हम एलिवेटर में हैं। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। हाय ये क्यों बंद बताऊं, ये तुम पकड़ लो। वेट आज आई गॉट दैट बस वेरी हैवी, केयरफुल। दिस इज फॉर यू। पानी मस्ट यूज करना है, पानी और खजूर। तीन बिल्डिंग, चार बिल्डिंग थी एक्चुअली हमारी अपनी वाली में, तो अजर दे आया। सो या मैंने सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई इसलिए गाड़ी मेरी चीख पुकार में जा रही है, पिंग पिंग पिंग। हेलो हेलो, अस्सलामु अलैकुम, व्हाट्स अप यूट्यूब। जी जनाब, बास्केट का फिनिश लुक तो आप लोगों ने देख ही लिया और ये भी देख लिया कि मैंने अपनी फ्रेंड्स तक जो है उनको पहुंचा दिया है ऑलरेडी। इस बात को भी एक डेढ़ हफ्ता हो रहा है, जब रमज़ान अनाउंस होना था जिस शाम को, उसी दिन जाकर जो है मैं ये अपनी फ्रेंड्स को बास्केट देकर आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद इस वीडियो को एडिट करने का टाइम नहीं मिला। अब सोचा कि आज आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि इसको किस तरह से पैक किया और इसका क्या प्रोसीजर रहा। तो चलिए जी, इस वीडियो को अब स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, एक रात पहले की वीडियो है जिसमें मैं पैकिंग कर रही हूँ तमाम बास्केट की, जिनमें से एक पे मैंने प्रैक्टिस की है और दो रेडी कर ली हैं, और अब इस वाली को आप लोगों को पैक करके दिखाऊँगी कि किस तरह से मैंने इसको पैक किया। अच्छा जी, ये सारा सामान है जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, और जज्बात में आके आपकी बहन ने ना थोड़ा ज़्यादा सामान ले लिया और बास्केट जो है ना वो थोड़ी सी मुझे लग रही थी छोटी। तो पहले तो पूरी मैंने बैठ के प्रैक्टिस की है इस बास्केट के ऊपर और साइंस लड़ाई है अपनी, फिगर आउट किया है कि ये सामान आखिर जाएगा किस तरह, क्योंकि ये किसी भी तरह इस बास्केट में फ़िट नहीं हो रहा था। खैर, फाइनली मैंने फ़िगर आउट कर लिया और अब मैं शुरू करती हूँ इसको पैक करना। तो सबसे पहले जो है, जो बास्केट रैप करने के लिए जो प्लास्टिक बैग्स मैं लाई थी वो मैंने सबसे पहले खोल के और उनमें बास्केट ऑलरेडी रख दी है, क्योंकि इस बास्केट ने हो जाना था अच्छा खासा हैवी और बाद में इसको उठा के प्लास्टिक बैग में डालना मुश्किल होता। बहरहाल, इस वक्त मैं बास्केट का बैलेंस वगैरह अच्छी तरह से चेक कर रही हूँ कि बास्केट जो है वो बिल्कुल प्लास्टिक बैग के बीच में है, वरना फिर वो जो है ना टेढ़ी मेढ़ी सी पैकिंग होती। उसके बाद बहुत ही प्यार और मोहब्बत से मैंने सारा का सारा प्लास्टिक जो है हटा लिया है, जो कि हटने का नाम नहीं ले रहा था, बड़ी मुश्किलों से वो हटाए। खैर बहरहाल, अब जो है ना मैंने पैकिंग शुरू कर दी है। तो मैंने यही तरीका निकाला जो मुझे सबसे बेस्ट लगा, वो ये था कि जी दो जो मेरे बॉक्सेस थे ना, एक बिरयानी मसाले का और दही बड़ा मिक्स, ये दोनों जो हैं मैंने नीचे रख दिए, क्योंकि मैं गलती ये भी कर ली थी मैंने कि जो मेरी बास्केट है वो थोड़ी सी ऊंची थी और मुझे थोड़ा सा एलिवेशन चाहिए था, तो उसके लिए मैंने फिर इनको नीचे रखा है ताकि थोड़ी सी हाइट मिले बाकी की चीज़ों को। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे कि जो हैवी सामान है वो मैं पहले रख रही हूँ, जैसे रूह अफ़ज़ा की बॉटल काफ़ी हैवी होती है और चनों का कैन हैवी होता है, पानी की बॉटल भी काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है, तो उसको मैंने पहले रख दिया है। अब ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ थी, ये दही बूंदियों का पैक था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको मैं किस तरह से रखूं कि ये पिचके नहीं। तो मैंने इसको इस तरह से नीचे से उल्टा पकड़ा हुआ है बैग को, आपने देखा होगा, और इसको मैंने फ़ोल्ड किया है और फिर मैंने इस तरह से इसको अटका दिया है, तो अब ये जगह भी नहीं घेर रहा और ये अपनी जगह फ़िक्स भी हो गया, पिचकेगा भी नहीं। सिमिलरली चनों के कैन के साथ, सॉरी जो दालों का जो पैकेट था उसके साथ भी मैंने यही किया है। और अब बारी आ गई है खीर मिक्स की और पकौड़ा मिक्स की, तो उसको जो है मैं फिगर आउट कर रही हूँ कि किस तरह से रखूँ, क्योंकि वो फिर बास्केट में रखा हुआ अच्छा मालूम होता है। तो ये तरीका मैंने निकाला, मुझे लगा कि ये बेस्ट है। और फिर एंड में जो है ना चने के कैन के ऊपर मैंने पटख दिया है पास्ता क्योंकि इसको कहीं और रखने की मेरे पास जगह नहीं थी। जब बच्चों के लिए मैंने ये कैंडी कप्स बनाए थे और ये भी बास्केट में इसी तरह से जाने थे, इनको अभी रैप भी करना था बड़ा क्यूट सा, मगर देर वॉज़ नो वे कि ये बास्केट में कहीं पे भी फिट होता कप। तो फिर मुझे जो है ना तमाम कैंडी निकाल के बास्केट में रैंडम जगहों पे जो है वो फिल करनी पड़ी। तो बस पॉइंट ये था कि किसी तरह से जो है वो बच्चों तक कैंडी पहुँच जाए, जब माएँ जो हैं उनकी वो खोलेंगी तो उनको कैंडी नज़र आएगी और बच्चे कैंडी पे ऑटोमेटिकली हमला करेंगे ही। तो बस मैंने जो है फिर यही इसका बेस्ट तरीका समझा कि इसको जो है ना मैं इस तरह से जगह जगह जो है वो डाल देती हूँ।
अलावा उन दो डब्बों के जो बेचारे नीचे छुप गए, बाकी तमाम चीज़ों के लिए मैंने पूरी कोशिश की है कि वो बास्केट में नज़र ज़रूर आए, जैसे कि शान के डब्बे झांक रहे हैं साइडों में से और रूह अफ़ज़ा की बॉटल नज़र आ रही है, तो देखने वाले कहें कि ओ देखो देखो शान का भी कुछ है, देखो रूह अफ़ज़ा भी आया है और ज़ाहिर है प्लास्टिक रैप तो होना ही ट्रांसपेरेंट है तो उसमें से नज़र आना ही था। एनीवे चीज़ें सारी हो गई हैं प्लेस और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने इस बास्केट को जो है वो रैप किया। तो मैंने बहुत ही धीरे और हल्के हाथों से जो है प्यार और मोहब्बत के साथ प्लास्टिक के बैग को उठाया है और हाथों से उसको मैंने दबोचा है दोनों, और जो है ना अब मैं इसको रबर बैंड से इसकी बना दूँगी पोनी टेल, बिल्कुल एक ऐसी उस बच्ची की तरह जिसके बाल बिखरे हुए होते हैं वो समझ के आप इसकी जो है वो पोनी टेल बना दें। और पोनी टेल बनाने से ये फ़ायदा होगा कि ये जो प्लास्टिक है ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, क्योंकि ये दिस टेंड्स टू स्लिप अलॉट, तो क्या होता है कि ये फिर बार बार लूज़ होने लगता है, तो रबर बैंड से मुझे ये फ़ायदा होता है कि ये अपनी जगह टिका रहता है। अच्छा, आप लोगों को याद होगा कि डॉलरामा से मैंने ये रिबन्स लिए थे इस बास्केट के लिए ही स्पेशली, तो इनमें जो है वो स्टेपलर्स लगे हुए होते हैं, तो उनसे मैंने पहले इनको निकाल के सेपरेट कर लिया है और अब मैं इनको रैंडम ऑर्डर में जो है वो चारों तरफ से बांध दूँगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने चारों साइड से डिफरेंट डिफरेंट एंगल से इसको बांध दिया है ताकि भरा भरा सा एक लुक आ जाए। और फिर ये हमारी गुड ओल्ड रमज़ान करीम का जो नैपकिन है इसके अंदर मैंने पंच मशीन से होल किया है, और उसके बाद जो है कोई हम लंबा चौड़ा काम नहीं कर रहे, बस सीधा सीधा वही वाला रिबन लिया है जो गोल्ड वाला मैंने ऑलरेडी बास्केट पे बांधा था, और वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी नैपकिन के अंदर, एंड दिस विल आल्सो गो ऑन द बास्केट जी। बाद में बस रिबन जो है वो थोड़े से आगे पीछे हो गए थे तो इनको मैंने अपने हाथों से एडजस्ट कर लिया है। रमज़ान करीम का जो ग्रीटिंग है वो नज़र आनी चाहिए, एंड दिस बास्केट इज़ रेडी। जिस बास्केट पे मैंने प्रैक्टिस की थी उसका ये फ़ायदा हुआ कि देखें एंड रिज़ल्ट में तमाम चीज़ें जो है ना वो एक तरीके से और बहुत ही प्रॉपर तरीके से रखी भी आपको नज़र आ रही होंगी, हर चीज़ का इवन लेबल भी सामने है, और कुछ बास्केट्स की जुल्फ़ ही नहीं संवर पा रही, सारे रिबन्स जो है ना वो सामने आए जा रहे थे तो उनको बार बार मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा था। एनीवे इसके बाद मैंने बकाया जितनी भी बास्केट्स थी उनको बड़े कॉन्फिडेंस से और आराम से पैक किया है, क्योंकि मुझे पता था कहाँ पे क्या जाना है, और एंड में तो मैं कुछ ज़्यादा ही एडवेंचरस फील कर रही थी तो मैंने जो है वो दो बास्केट से दो दो करके बास्केट्स जो हैं वो एक साथ पैक कर ली। और जी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा रमज़ान का एक मिशन था जो पूरा हुआ कि मुझे अपनी फ्रेंड्स को जो है वो गिफ्ट बास्केट देनी है, तो अल्लाह का शुक्र है दिस इज़ डन। अल्लाह ताला रमज़ान में की जाने वाली हमारी तमाम इबादात को, रोज़ों को, दुआओं को कबूल करे। इसी के साथ मेरा व्लॉग ख़त्म हुआ, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।